ये देखिए ऑपरेशन करने जा रहा है। देखिए पहले जमाने में सिक्के कैसे बनते थे, देखते हैं स्टेडियम ग्रिप कर पाते हैं या नहीं। दो बार फेल हो गए हम, देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पे बैलेंस खुद को कर पाता है या नहीं। तो ये देखिए फासिल डर रहा है। दोस्तों हम लोग के साथ बहुत ही बड़ा पोपट हो गया है, इतना भीड़ में ये देखिए देखिए मार रहा है, देखिए मार रहा है। सर दोस्तों वेलकम है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 1 जनवरी 2024। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा खुशियों भरा हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों ये नए साल का मेरा पहला व्लॉग है और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने ससुराल दिल्ली आया हुआ हूँ और यहाँ फाजिल नानी घर का मज़ा उठा रहा है। तो आज हम लोग सारे लोग जा रहे हैं इंडिया गेट घूमने, बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और हैप्पी न्यू ईयर का मज़ा लेते हैं। और ये देखिए फाजिल भी तैयार हो गया है घूमने के लिए, फाजिल के नाना बनाए हैं कुर्ता खासकर 1 जनवरी को पहनने के लिए। फाजिल हैप्पी न्यू ईयर, ये तो खाने में खाली लगा हुआ है। देखिए सनोवर भी तैयार हो गई है, हैप्पी न्यू ईयर कसके जोर से बोलो सर। देखिए सब भी तैयार हो गई है, हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सब तैयार हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। देखिए काजमी छिप रहा है। तो चलिए चलते हैं, चला जाए, चलिए चलिए चलिए। दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे सीलमपुर मेट्रो स्टेशन। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम लोग सीलमपुर मेट्रो स्टेशन। ये देखिए मेट्रो स्टेशन पे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे नेशनल साइंस सेंटर, ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइम बचेगा तो हम लोग जाएंगे इंडिया गेट, ठीक है। तो अभी हम लोग सीलमपुर से मेट्रो के लिए टिकट करते हैं। अभी व्हाट्सएप पे ही टिकट होने लगा है, आपको पता ही होगा, बहुत ही आसानी से 2 मिनट में व्हाट्सएप पर ही मेट्रो का टिकट कर सकते हैं। देखिए न्यू ईयर के मौके पे भी मेट्रो पे बहुत लंबा लाइन लगा हुआ। अभी मेट्रो का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, बस 1 या 2 मिनट में आने वाली है। ये आ गई हमारी मेट्रो। तो इस वाली मेट्रो पे हम लोग नहीं बैठे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था। तो देखते हैं नेक्स्ट वाले मेट्रो में शायद खाली रहे। ये फाजिल सोया हुआ है, ऐसा नंबर गप करने में लगी हुई है। ये देखिए आ गई है हमारी दूसरी मेट्रो, ये खाली होना चाहिए, नहीं खाली हुआ तो फिर भीड़ में ही बैठेंगे हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं कश्मीरी गेट और यहाँ से हम लोग राजीव चौक के लिए मेट्रो चेंज करेंगे। दोस्तों देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, देखिए तो चलिए हम लोग को ब्लू लाइन पकड़कर सुप्रीम कोर्ट अब जाना है, बहुत ज्यादा भीड़ है न्यू ईयर के मौके पे। तो ये देखिए ये मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है और ये दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन और यहां से हम लोग जाएंगे नेशनल साइंस सेंटर। पैदल सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, बहुत ही जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट। फाजिल कहाँ गया, हम लोग से ज़्यादा इसको घूमने का मन करता है, जब भी घर पे रहेगा बोलेगा यहाँ जाना है वहाँ जाना है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा गार्डन बना हुआ, अच्छा लग रहा है, मतलब गार्डन के साथ हम लोग घूमते हुए जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मतलब मेला लगता है ना इधर, ये देखिए यहाँ मेला लगता है, अलग अलग स्टेट का यहाँ पे मेला लगता है। दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम लोग नेशनल साइंस सेंटर। दोस्तों पहले हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा और फोर श्योर कि यहाँ भी बहुत लंबी भीड़ होगी और मुझे बाहर से ही दिख रहा है अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। दोस्तों फाइनली टिकट ले लिया है, तो चलिए अब अंदर एंट्री करते हैं। देखिए फाजिल यहाँ पे आलू टिक्की खा रहा है, इसको भूख लग गया था। सैनो भी भूख लग गया, सैनो पानी।
यहाँ पे सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही चीजें मिलेगी देखने को। यहाँ पे सब हिस्ट्री और एंशियंट चीजें लिखी हुई है। देखो यहाँ पे जंतर मंतर के बारे में बताया गया है कि जंतर मंतर किसने बनवाया था। ये देखिए, ये अशोक चक्र है। ये देखिए, पहले के जमाने में जो लैब हुआ करता था वो इस तरह का होता था, वेदों का लैब। देखिए यहाँ पे पुराने ज़माने में लोग बना रहे हैं दवा वगैरह। और ये देखिए, पहले के ज़माने में लोग कैसे परफ्यूम बनाते थे उसका यहाँ पे बताया जा रहा है। ये देखिए, परफ्यूम बन रहा है। पहले के ज़माने में बॉडी को किस तरह से क्लीन किया जाता था वो बता रहा है, और बीमारी रोगों को दूर किया जाता था। ये देखिए, ऑपरेशन करने जा रहा है। पहले जो है ना, ऑपरेशन वगैरह इसी तरह से होता था। और देखिए पहले कपड़े कैसे बनाए जाते थे। यहाँ पे ये महिला कपड़े बना रही है। देखिए पहले ज़माने में सिक्के कैसे बनते थे। यहाँ पे सिक्के देखिए, एंशियंट कॉइन मेकिंग, सिक्के कैसे बनते थे वो सिक्का। ये देखिए, इस तरह से पीट पीट कर सिक्का बनता था। और देखिए, लोहे को पिघलाया जाता था। और अगर एंशियंट टाइम की बात हो और ताजमहल वहाँ ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। ये देखिए हमारा खूबसूरत ताजमहल। अब हम लोग जा रहे हैं द मिराकल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बायोलॉजी। अब यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन बायोलॉजी मिलेगी हमें। ये देखिए किस तरह से प्रेगनेंसी ग्रोथ होती है, किस तरह से गर्भ में बच्चा बड़ा होता है, यहाँ पे पूरा डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बिग बैंग टू स्मार्ट मैन, किस तरह से दुनिया आई और किस तरह से इंसानों का विकास हुआ, जन्म हुआ, यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल बताया गया है। और ये देखिए, ये है हमारा DNA और ये है ह्यूमन ब्रेन। देखिए कितना बड़ा ब्रेन है। देखते हैं स्टडी हम ग्रिप कर पाते हैं या नहीं। अरे यार, फिर से एक बार। अरे यार, फिर से दो बार फेल हो गए हम। हिला दिया काजमी, हिला दिया। देखिए काजमी हिला दिया ना, तो हम बिल्कुल सही जा रहे थे ना सैनो। और ये है हमारा ह्यूमन हार्ट जो सबके दिलों में धड़कता है। ये देखिए कितना बड़ा है। ये वो वाला दिल नहीं है, ये वो दिल है जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये है आर्टरीज एंड वेन्स, हमारे शरीर के अंदर खून के दौरान को पहुंचाने वाली नसें। देखिए इस पे खुद को बैलेंस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस योर सेल्फ। देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पे बैलेंस खुद को कर पाता है या नहीं। तो सबसे पहले सैनो जा रही है। सैनो ये निकल गया, तुम क्या देखिए यहाँ पे हाफ यू हाफ मी, आधा आधा दिखेगा। आधा इधर सनोवर दिख रही है, छोटी है ना, और आधा सबा दिख रही है मुंह। इससे हम टेस्ट करते हैं। ये टंग है, हाँ ये देखिए बिटर पार्ट, ये पीछे वाला होता है, खट्टा वाला साइड वाला होता है। ये देखिए खट्टा, हम लोग इस साइड वाले जीप से हम लोग पता करते हैं। मीठा, मीठा आगे वाला, ये मीठा है और सॉल्टी। ये देखिए सॉल्टी ये वाला, तो ये इस तरह से हमारा जीप टेस्ट को पता करता है। ये देखिए मिसिंग कलर पहचानने का है, आप कलर पहचान पाते हैं या नहीं, इसे चेक करना है। यहाँ पे कितना इसमें लिखा हुआ है ये आप पता कर सकते हैं। अगर इसमें आप नंबर को पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। सभा का मिसिंग ब्लाइंड, मिसिंग कलर चेक होगा। वो नंबर है। ये बताओ, ये क्या? बताओ कितना नंबर लिखा हुआ है सब में। हाँ,
चल ये सब पास हो गई, हम लोग कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं प्री हिस्ट्रिक लाइफ गैलरी। ये देखिए बड़ी बड़ी मछलियाँ, ये देखिए डायनासोर। अरे पूछ ही रहा है। देखिए इस डायनासोर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन है और इसकी क्या खासियत थी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए इसका नाम है एनाटोसॉरस। तो ये देखिए फासिल डर रहा है बाबू। अरे हमको लगा सच में ही चले लगा का। अब हम लोग जा रहे हैं फन साइंस में। चलिए साइंस किस तरह से फन करता है वो देखते हैं। ये देखिए ये पेनी फार्थिंग बाइसाइकल। देखिए इसमें से गैस हवा निकल रहा है। और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक रिपल्सन का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर ये दोनों मैग्नेट है और जो आपस में नहीं चिपकेगा, ये देखिए भाई साहब बहुत ही ट्राई कर रहा है लेकिन ये दोनों मैग्नेट आपस में नहीं चिपक रहा है। वो इसलिए क्योंकि दो मैग्नेट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तभी वो चिपकता है, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वो नहीं चिपकेगा। तो चलिए देखते हैं खुद को लिफ्ट करके इसमें लिफ्ट होता है या नहीं। हो गया, पूरा लिफ्ट हो गया। देखिए इस वाले में आसानी से लिफ्ट कोई भी कर सकता है अपने आप को, क्योंकि इसमें देखिए डबल चक्री लगा हुआ है तो आसानी हो जाता है लिफ्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चक्री लगा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे खुद को जल्दी लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत मेहनत करने पड़ेगा। दोस्तों देखिए इसके अंदर चलने पे ये गिटार बजेगा। ये देखिए ये जो है ना विजुअल इक्वलाइजर है, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, चलने पे जो है ना वहाँ पे सामने में इक्वलाइजर ऊपर नीचे आएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3D है एनामोरफोसिस, किस तरह से 3D क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको कोई भी इमेज अभी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए कोई इमेज नहीं दिख रहा, लेकिन इसी टेक्सचर से यहाँ पर इमेज बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये देखिए किस तरह से क्लियर दिख रहा है। इसका नाम है स्पिन स्क्रीन। हार्ट बनाओ, हार्ट सैनो, हार्ट अपने हाथ को इस तरह से उठाना है। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। दोस्तों अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं हेड ऑन अ प्लेटर, तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए अब हम चलेंगे मिरर मेज में। तो चलो सानो ट्रिक बताएगा तो कैसे काम चलेगा यार, ट्रिक नहीं बताना है, काजमी देखिए ट्रिक बता रहा है। फाजिल कहाँ जा रहा है, देखिए उधर नहीं है, इधर फाजिल इधर, देखिए ये खो गया ही, चलो उधर। अरे आगे चकरा गया फाजिल। दोस्तों अभी शाम का 5 बज गया है और अब हम लोग को जोर से भूख लग गया है, पूरा हम लोग म्यूजियम अच्छे से घूम लिए हैं, बहुत ही मजा आया। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और कुछ खाएंगे। देखिए खेल रहा है, अरे देखिए इसमें नहीं गया, इसके लिए उतार के दे भी दिया, देख रहे हैं, देखिए नहीं सबके साथ ही घुल मिल जाता है कहीं भी, देखिए। तो चलिए अब एग्जिट करते हैं, ये रहा एग्जिट गेट। तो अभी शाम का 5:15 हो गया है, हम लोग म्यूजियम से बाहर आ गए हैं। दोस्तों सबको छोले कुलचे खाना है बट मुझे तो पराठा खाना है, देखते हैं एक ही ठेले पे अगर छोले कुलचे और पराठा मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने खोज लिया, कहीं पे भी कोई ऐसा ठेला नहीं है,
जो कुलचे के साथ पराठा भी बेच रहा हो, तो देखते हैं हम भी यहाँ पे कुलचे ही खा लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग जाएंगे इंडिया गेट, तो इसके लिए हम लोग टोटो या ऑटो पूछते हैं। बिल्कुल पास में ही है, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से इंडिया गेट। दोस्तों हम लोग एक सरदार जी ऑटो वाले से पूछे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऑटो का जाने का रास्ता बंद किया हुआ है, इंडिया गेट ऑटो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पैदल ही निकल लें। तो चलिए पैदल ही जाएंगे। तो क्या पैदल चलोगी? ऑटो बंद है, बोल रहे कि जाने का बंद कर दिया गया ऑटो का। दोस्तों 2 ऑटो वाले से पूछ लिया है इंडिया गेट जाने के लिए, दोनों ने सेम सेंटेंस ही कहा है कि इंडिया गेट जाने का रास्ता बंद है, ऑटो नहीं जा सकता है। तो फाइनली हम लोग तय किए हैं कि पैदल ही जाएंगे, तो पैदल सफ़र शुरू कर दिए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लगता है लगभग आधा घंटा टाइम लगेगा ना जाने में, आधा घंटा तो लगेगा। स्पीड पे फास्ट हम चलते हैं, ये स्लो चलती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दोस्तों चूँकि अभी शाम हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, तो इसीलिए मफलर वगैरह बांध लिया है। ऐसे अगर फाजिल चलेगा तो हम लोग कल पहुँचेंगे। तो ये जो भीड़ जा रही है ना, सब वही इंडिया गेट ही जा रही है, क्योंकि टोटो ऑटो तो है नहीं, तो पैदल ही निकलना पड़ रहा है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, बस 5 मिनट में हम लोग इंडिया गेट के पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम लोग के साथ बहुत ही बड़ा पोपट हो गया है, हम लोग यहाँ लेट पहुंचे हैं, इंडिया गेट 5 बजे ही बंद हो गया था। ठीक है, तो बहुत ही अफसोस और निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इंडिया गेट नहीं देख पाएंगे आज। देखिए गार्ड सबको भगा रहा है यहाँ से, यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है अंदर जाने के लिए। देखिए सबको भगाया जा रहा है, कोई अब अंदर नहीं जा सकता है। देखिए सारे लोग आए हैं घूमने के लिए, लेकिन सबको जाना पड़ रहा है वापस। पापड़ खाते हम लोग को घर जाना पड़ेगा। देखते हैं ओला बुक कर रहा है काजमी, अगर हो गया तो ओला से जाएंगे, नहीं तो मेट्रो से भी जा सकते हैं। इंटरनेट भी नहीं चल रहा था सिक्योरिटी पर्पस के कारण, पुलिस ने उधर इंटरनेट भी बंद कर रखा था। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आज 1 जनवरी है, तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए इंटरनेट भी उधर बंद था। देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, सारे लोग इंडिया गेट ही आए थे देखने के लिए, लेकिन अफसोस कि सबको वापस जाना पड़ रहा है। दोस्तों ये देखिए फाजिल के नानी ने फाजिल को दिलाया है ये चक्का चलने वाला, यहाँ से ये लाइट जलता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कचौड़ी खाएंगे, ये देखिए कचौड़ी बन रहा है। चलिए खाते हैं गर्मा गर्म कचौड़ी। साइनों की फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है सर। दोस्तों हम लोग मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी लंबी है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पे देखिए लिफ्ट का ये लाइन है, लिफ्ट में अंदर जाने का लाइन है। ठीक है, देखिए भीड़, इतना अंदर भीड़ है, इतना इधर भीड़ है, इतना भीड़ में ये देखिए, देखिए मार रहा, देखिए मार रहा, देखिए मार रहा, देख रहा है डंटा सब पिटा रहा। दोस्तों अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा लंबा लाइन है, ये देखिए कितना लंबा लाइन है। दोस्तों 1 घंटे लाइन लगने के बाद हम लोग मेट्रो के अंदर घुस पाए हैं, और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं पैदल चलते चलते, तो चलिए फटाफट मेट्रो में बैठते हैं और निकलते हैं घर के लिए। तो फाइनली आ गई है मेट्रो हमारी। मेरे फाजिल का गाल लाल हो गया है ठंडा से, इधर इधर लाल हो गया है, वो जो ब्लश लगाती है ना सैन, वही वाला लग रहा है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने सिलमपुर मेट्रो स्टेशन, और ये देखिए हमारा सिलमपुर मेट्रो स्टेशन कितना सन्नाटा है। देखिए काजमी पहले से गेट खोले हुआ है हम लोग के लिए। तो दोस्तों घर आते आते हम लोग को 9 बज गया था, और बहुत ज़्यादा भूखे थे हम, तो ये देखिए छिलका हम लोग खा रहे हैं, मेरा फेवरेट। सवारी बहुत थक गई, सब थक गए। फाजिल के दूसरे न्यू ईयर में हम लोग को पोपट हो गया, हम लोग को जाना था इंडिया गेट, लेकिन इंडिया गेट ही हम लोग को अंदर एंट्री नहीं मिला, और हम लोग का कल टिकट भी है दिल्ली से गया के लिए, तो इसीलिए हम लोग को जल्दी सोना है, पैकिंग करना है, तो फटाफट हम लोग खा के सो जाएंगे।
और पैकिंग करके कल निकलेंगे। हो सकता है कि कल व्लॉग ना बना पाएं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो व्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए कल हो सकता है व्लॉग ना बने, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए।